हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कमलाज किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्ची का अचार। दोस्तों, हरी मिर्ची का अचार तो आप अक्सर बनाते होंगे, परंतु ऐसी सरल विधि से आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो आज हम बहुत ही सरल विधि से जो है हरी मिर्ची का अचार बनाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने 500 ग्राम हरी मिर्ची ली है, और उसके बाद हमने ये आधी कटोरी हमने राई ली है बिल्कुल पिसी हुई। ये आधी कटोरी से थोड़ी सी कम हमने मेथी दाना लिया है। ये नमक है, स्वाद अनुसार डालेंगे। और ये थोड़ी सी सौंफ ली है हमने, एक छोटी चम्मच। तो चलिए दोस्तों, सभी को सबसे पहले सौंफ को इसके अंदर डालते हैं। खाली बर्तन लेते हैं इसके अंदर, और अब मेथी डाल देंगे और राई, और ये नमक डाल देंगे, और इन सबको जो है अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये जो है मिर्ची के अंदर हमें भरना है। इसलिए देखिए, इनको सभी इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया हमने। और अब फ्रेंड्स, मिर्ची लेंगे, एक मिर्ची, और इसको जो है कट लगा लेंगे। एक साइड से कट लगाना है पूरा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से कट लगाना है मिर्ची को, ऐसे कर कर एक एक मिर्ची को बिल्कुल ऐसे ही कट लगाना है, सभी मिर्चियों को इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे करके सभी मिर्चियों को कट लगा देंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी मिर्चों को जो है हमने चीर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक अलग बर्तन के अंदर रख दिया है सभी मिर्चों को चीर के। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। और अब जो हमने ये देखिए, ये जो पेस्ट तैयार किया है, अब ये पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे मिर्ची के अंदर। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, बिल्कुल मीडियम साइज में, बिल्कुल मीडियम साइज में डालना है इस तरीके से। देखिए, सभी मिर्ची के अंदर ऐसे ही पेस्ट डाल दें। फटाफट तरीके से जो है मिर्ची बनाने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। ये पानी वाली मिर्ची है, इनको हम पानी में डालेंगे। आप चाहें तो तेल के अंदर भी डाल सकते हैं, पर पानी की मिर्ची का जो खट्टा मीठा स्वाद होता है वो अजीब ही होता है, बहुत अच्छा होता है, इसलिए पानी के अंदर डालेंगे। और अब मार्केट में जो है बहुत ही अच्छी मिर्ची आई हुई है, तो आप अपने घर पर बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। वीडियो को बीच में मिस ना करें दोस्तों, मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ। ऐसी विधि का आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। ये देखिए, धीरे धीरे कर कर एक एक मिर्ची में मसाला डाल देंगे, जो हमने मेथी और राई नमक का पेस्ट तैयार किया था वो। ये जो सभी चीज़ें हैं अपने घर पर आसानी से मिल जाती हैं, और हम आसानी से ये रेसिपी बना भी सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके जल्दी जल्दी जो है, ज़्यादा मसाला न डालें, जितना डाला जाए उतना ही डालें मसाला इसके अंदर, ज़्यादा न डालें। ये देखिए फ्रेंड, सभी मिर्ची के अंदर जो है हमने राई को डाल दिया है, और अब इसको हम थोड़ा अलग बर्तन के अंदर निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, सभी मिर्ची के अंदर हमने मसाला डाल दिया है, अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये हमने पानी लिया है, लगभग आधा लीटर पानी। तो आप किसी भी बर्तन के अंदर, चाहे मिट्टी का बर्तन हो या प्लास्टिक का हो, लोहे का बर्तन हो, आप उसके अंदर डाल सकते हैं इसे। तो अब हम इसे डाल देंगे। ये प्लास्टिक का बर्तन लिया है, इसके अंदर धीरे धीरे सभी मिर्चियों को डाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, डब्बे के अंदर हमने सारी सभी जो मिर्ची हैं वो डाल दी हैं। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे, आधा लीटर पानी लिया है, गर्म पानी ये डालेंगे इसके अंदर। ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है, बिल्कुल गुनगुना पानी लेना है। ये देखिए, डाल दिया है। तो अब जो ये अचार है, इसको ऊपर से ढक्कन लगाकर हम रख देंगे। 5 से 7 दिन में जो ये है खाने लायक तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।